हेलो एवरीवन, मैं हूं लकी गुप्ता और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं मेरे चैनल फैशन फ्रेंड्स पर। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीशो के कुछ प्रोडक्ट जो मुझे सेम टू सेम रिसीव हुए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आपके मन में जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो ये सोचते हैं कि क्या पता वो कैसा प्रोडक्ट होगा, जैसा दिखाया गया है वैसा आएगा या नहीं। तो वो डाउट मैं आज थोड़ी बहुत क्लियर करूंगी मैं इस वीडियो में, क्योंकि मैंने मीशो से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं जो सेम टू सेम मुझे रिसीव हुआ है। मैंने जैसा परचेज किया था वैसा ही आया है एंड प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा है प्राइस के हिसाब से। तो आज वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक मेकअप ब्रश जो मैंने कुछ दिन पहले परचेस किए थे। तो ये सिर्फ 177 रुपीज़ का मेकअप ब्रश था जो मैंने मतलब पैकेजिंग मैंने पहले खोल दी थी, पर अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ पूरे अच्छे से। तो ये बॉक्स इस टाइप का रिसीव हुआ है मुझे, ये देख सकते हैं आप, मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। ये रहे इसमें ब्रशेज, इस तरीके से इसमें ब्रश हैं। इसमें टोटल 12 ब्रशेज़ मुझे मिले हैं इस तरीके से। और ये बॉक्स काफ़ी प्यारा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसके साथ ये ब्रश मुझे मिले हैं, 12 ब्रशेज़ हैं इसमें, सिर्फ 177 रुपीज़। मुझे प्राइस वाइज बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं मेकअप में थोड़ा बिगनर हूँ, तो मुझे ज़्यादा हैवी वाला ब्रशेज़ नहीं चाहिए था, कोई सिंपल सा ब्रश चाहिए था जो मैं थोड़े बहुत मेकअप कर सकूँ। तो उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इसमें 2 बिग ब्रश भी हैं इस तरीके से। और ये काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर आप चाहोगे इसे फाउंडेशन लगाना तो फाउंडेशन इसे अप्लाई नहीं हो पाएगा, इसे सिर्फ आप कॉम्पैक्ट पाउडर ब्लश ये यूज़ कर सकते हो उसके लिए। एंड इस तरीके का मस्कारा का भी ये ब्रश है, और इस तरीके से आई शेडो लगाने का है, इस तरीके से छोटे छोटे बहुत सारे ब्रशेज इसमें हैं, काजल आई लाइनर सब कुछ का ब्रश है। तो इसका प्राइस 177 रुपीज़ का था ये, तो मुझे प्राइस वाइज अच्छा लगा। कुछ ज़्यादा हैवी ब्रश नहीं है, बहुत ही हल्का है एंड सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे अच्छा लगा, जैसा मैंने परचेस किया था सेम वैसे ही। इस तरीके के बॉक्स में मुझे कुछ चैन परचेस किए थे कॉम्बो पैक, जिसमें 5 चैन थे गोल्ड कलर के। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके के पैकेजिंग में आया है, मुझे रिसीव हुआ है, देख सकते हैं आप। और इसमें टोटल 5 चैन थे, ये सिर्फ 209 रुपये में है। ये रहे वो 5 चैन जो मैंने परचेज़ किए हैं सिर्फ 209 रुपये में। मैं आपको एक एक करके खोल के दिखाती हूँ कैसा है ये। सारे चैन के डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग हैं एंड साइन बिल्कुल गोल्ड जैसा है, इस तरीके से देख सकते हैं हम। तो ये चैन बहुत ही अच्छा है, अच्छा साइन कर रहा है, तो ये चैन भी मुझे प्राइस वाइज अच्छा लगा। और अब मैं तीसरा प्रोडक्ट दिखाती हूँ, ये एक बॉक्स है, स्टोरेज बॉक्स। सारी पैकेजिंग मैंने पहले ही खोल दी थी बट मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये स्टोरेज बॉक्स है इस तरीके से। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए अंदर से बिल्कुल ऐसा है। ये मैंने स्पेशली परचेस किया है अपने इयररिंग्स या नेकलेस सेट स्टोर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि आप जब सारे इयररिंग्स एक साथ रखते हो किसी डब्बे में या थैली में तो वो काले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इयररिंग्स स्टोर करने के लिए, तो इसलिए मैंने ये मीशो से परचेस किया है सिर्फ 160 रुपीज़ में मैंने परचेज़ किया है। और इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे खाने हैं, इसमें बहुत सारे प्लेट थे जो मैंने निकाल दिए, ये प्लेट निकलते भी हैं इस तरीके से, ये देखिए। ये आप अपने हिसाब से, या मान लीजिए इस तरीके के डब्बों को बड़ा करना है तो आप इसको निकाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, या फिर और छोटे खाने बनाने हैं तो इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं, तो ये छोटे छोटे डब्बे बन जाएंगे। तो अपने ज्वेलरी के हिसाब से इस डब्बों को बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, और ये बहुत ही प्यारा है। तो ये सिर्फ 160 रुपीज़ में मुझे इतना बड़ा मिला, इतना बड़ा बॉक्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे ज्वेलरी हो जाते हैं इसमें,
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको चौथा दिखाती हूँ। मैंने एक मीशो से एक साड़ी ऑर्डर की है, ये मीशो से मैंने जो साड़ी ऑर्डर की है वो मैं आपको दिखाती हूँ। साड़ी का प्राइस है 726 रुपीज़। ये बिल्कुल हल्की है साड़ी एंड इस तरीके से ट्रांसपेरेंट भी है थोड़ी, एंड काफ़ी हल्की साड़ी है ये, तो मुझे ये अच्छी लगी प्राइस वाइज। एंड इसका ब्लाउज पीस भी है अलग से, इसमें अटैच नहीं है ब्लाउज पीस उन्होंने इस तरीके से दिया है अलग से। ये थोड़ा मोटे कपड़े का है एंड इस तरीके से इसमें वर्क किया हुआ है, धागे से छोटे छोटे फूल बने हैं। तो ये रहा ब्लाउज पीस ग्रे कलर में और ये थोड़ा मोटे कपड़े का है। प्राइस वाइज मुझे ये साड़ी भी बहुत अच्छा लगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।